ग्रामर कुछ ज्यादा टफ है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, ठीक है, थोड़ी सी बातों को समझनी है, सभी चीजें आपके लिए आसान है। एक ही बार तो जो है नीतू सिंह की किताब है उसको पढ़ना है आपको, प्लिन टू पैरामाउंट, बस को एक बार किताब, उस पूरे किताब को ढंग से पढ़ जाए, फिर मुझे कभी महसूस नहीं होगा, मुझे लगता ही नहीं कि हाँ उस स्टूडेंट का इंग्लिश में नंबर नहीं आएगा। जो मैंने सेशन के शुरुआत में ही आपको कहा था कि वोकैब 24/7 ऐप का सहायता लीजिए, इतना खूबसूरत तरीके से उस मोबाइल एप्लीकेशन में दे रखा है, आप डेली उसमें 10 वर्ड अपने वर्ड पावर में आप बढ़ा सकते हैं, उसको आप याद कर सकते हैं। वोकैब की मार्केट में शायद ही कोई ऐसी किताब होगी जो मैंने नहीं पढ़ी होगी, शायद ही है, जो ब्लैक बुक है, जो रेड बुक है, नॉर्मल लुइस की किताब है, ऑनलाइन मेंटर्स के जो पीडीएफ आते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं और से उठ कर आए, जितने भी बड़े टीचर्स हो गए, जितने भी अभिनय शर्मा जैसे हो गए, अभिनय शर्मा सर ने पेपर 4 बार 5 बार निकाला है, टोटल 5 बार सीजल सिलेक्टेड है, तो क्या उन्होंने हर साल तैयारी किया होगा? बिल्कुल भी नहीं। मैंने आज से इंग्लिश 2 साल हो गए मुझे पढ़े हुए, लेकिन अगर आज भी आप मुझे बोलोगे ना कि सर ये पेपर है एक बार दे दो, फिर भी मैं गारंटी कहता हूँ कि मेंस का पेपर हो तो 200 में 185 प्लस स्कोर होगा, और अगर प्री का पेपर है तो 50 में 45 प्लस स्कोर होगा, क्योंकि जब मैंने एक ही बार पढ़ा था ना तो मैंने तसल्ली से पढ़ा था, ठीक है, एक एक रूल्स, एक एक पॉइंट्स, एक एक वोकैब, एक एक साइनो एंटो याद है मुझे। आज भी मेरे दिमाग में वो 10,000 वोकैबुलरी फिट है जो 10,000 मैंने तैयारी करते वक्त किया था। मेरा वोकैब पावर 10,000 वर्ड्स का है, कोई भी वर्ड हो गया उसके कम से कम मैं 10 सिनोनिम एंटोनिम बता सकता हूँ। अपने आप को जितना ज़्यादा समय दोगे उतना ज़्यादा अपने आप को थकाओगे, ठीक है, जो काम एक दिन में हो सकता है उस काम के लिए आप 10 दिन अगर आप वेस्ट कर रहे हैं तो इससे बड़ा मूर्खता तो कुछ है ही नहीं। मत किया करो ना, इतना समय क्यों बर्बाद करते हो।